स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल्स एक प्रकार का पॉलीगन है जिसकी तीन साइड्स होती हैं। इसी के साथ साथ ट्रायंगल्स की कई प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है वो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को लेकर है, तो आइए आज हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर में हमने देखा था कि अगर कोई दो फिगर जिनके शेप और साइज सेम हैं तो वो फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी शेप्स हैं, जितने भी पेयर हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम इन दोनों को देखें, ये भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि इनका शेप और साइज सेम है। मतलब कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो चीज़ें बहुत मस्ट हैं। पहली कंडीशन है उनका शेप और दूसरा है उनका साइज। अगर कोई दो फिगर हैं और उनके शेप और साइज सेम हैं, यानी अगर हम उनको एक दूसरे के ऊपर रख दें और वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, तो हम कह सकते हैं कि बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसी प्रकार अगर ट्रायंगल का केस लें, यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल ले रखे हैं। पहला ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। और हम जानते हैं कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके शेप यानी ट्रायंगल के सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। यानी हमने क्या किया, सभी एंगल्स को एंगल A इक्वल्स टू D, एंगल B इक्वल्स टू E एंड एंगल C इक्वल्स टू F लिख लिया। यानी हमने देखा कि जो एंगल होता है वो किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के शेप को डिनोट करता है। इसी प्रकार अगर हम साइज की बात करें तो साइज के लिए हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स यानी साइड AB इक्वल टू DE, यानी AB इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, DE के। AC इक्वल्स टू DF और CB इक्वल्स टू FE, और ये जो साइड्स हैं वो हमारी साइज को डिनोट करती हैं। यानी अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल और सभी करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी। अब हम अपने मेन टॉपिक सिमिलरिटी पर आते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मान लीजिए आप किसी स्टूडियो में गए और आपने अपना फोटोग्राफ बनवाया। आपसे फोटोग्राफर पूछता है कि आपको किस साइज की फोटो चाहिए, यानी पासपोर्ट साइज चाहिए या 7x5 चाहिए या लेटर साइज चाहिए, किस टाइप की चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं कि अपना साइज जो है बता देते हैं कि हमें पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए। उस केस में क्या होता है कि आपका शेप तो चेंज नहीं हुआ, शेप तो वही रहा, पर साइज जो है वो हमारा चेंज होता रहता है। सेम उसी पैटर्न में हम यहाँ फिगर को देख रहे हैं, ये सभी फिगर जो है वो सिमिलर हैं। ताजमहल के ही केस में देखिए, तीनों केस आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे सिमिलर फिगर हैं पर शेप जो है वो हमारा चेंज है। यानी हम कह सकते हैं कि सिमिलरिटी के केस में केवल एक ही चीज़ कंसीडर की जाती है, वो है शेप, और कॉन्ग्रुएंसी के केस में शेप और साइज दोनों कंसीडर किए जाते हैं। यानी सिमिलरिटी के लिए हमारी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो हमारा शेप होता है। यानी इन सभी फिगर्स की खासियत ये होगी कि इनका शेप जो है वो समान होगा पर साइज जो है वो इक्वल नहीं है। सिमिलरिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हम टेबल के ऊपर एक बल्ब को हैंग करेंगे और इस प्रकार हैंग करेंगे कि पूरी लाइट हमारी टेबल पर कंसेंट्रेट हो। और हमको मालूम है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम इसके बीच एक कार्डबोर्ड हैंग करेंगे। इस कार्डबोर्ड को बीच में हैंग करने से क्या होगा कि इसकी शेडो हमारी टेबल पर आएगी। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा कार्डबोर्ड है उसका जैसा शेप है उसी शेप की शेडो हमारी टेबल पर बन रही है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसके सभी एंगल्स को मेज़र करते हैं। यानी कार्डबोर्ड के वर्टिसेस को हमने ABCD मान लिया और जो शेडो थी उसके वर्टिसेस को हमने A-B-C-D मान लिया। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल थे। यानी एंगल A-A=A-, एंगल B=B-, एंगल C=C-, एंगल D=D-। इसके साथ साथ एक चीज़ हमने और ऑब्जर्व की,
हमने ऑब्जर्व किया कि उसकी साइड्स इक्वल तो नहीं है पर प्रोपोर्शन में है, यानी अगर हम ए बी को मेजर करें और ए डैश बी डैश को मेजर करें और दोनों को डिवाइड कर दें, यानी हम ए बी अपॉन ए डैश बी डैश निकालें, इसी प्रकार बी सी अपॉन बी डैश सी डैश निकालें और सी डी अपॉन सी डैश डी डैश निकालें, ए डी अपॉन ए डैश डी डैश को निकाल के आपस में डिवाइड करें, तो हम ये देखेंगे कि इनका जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है और इसी रेशियो को हम लोग स्केल फैक्टर कहते हैं। ये जो स्केल फैक्टर है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी अगर स्केल फैक्टर वन से बड़ा है तो हम कहेंगे कि उसका एनलार्जमेंट हुआ है, और अगर स्केल फैक्टर वन से कम है तो हम कहते हैं कि उसका साइज जो है वो कम हो गया है। शेप तो सेम ही रहेगा, दोनों का शेप यहाँ पर देख सकते हैं सेम है, यानी हमने सिमिलरिटी में ये सीखा कि सिमिलरिटी के केस में शेप फिगर्स का सेम रहता है पर साइज जो है वो सभी फिगर्स का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कि यहाँ पर हमने दो सिमिलर ट्रायंगल लिए, पहला ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी ये जो साइन होता है ये सिमिलरिटी का होता है। प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये साइन डिनोट किया था, तो देखिए ये जो साइन होता है ये शेप बताता है और बाकी जो साइन होते हैं ये हमेशा साइज को डिनोट करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों इक्वल होते थे इसलिए जो है इस टाइप का साइन हम लोग बनाते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ शेप ही कंसीडर हो रहा है इसलिए सिमिलरिटी के केस में केवल यही साइन बनेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमने लिखा कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, इसका मतलब यह है कि देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, हम देख भी सकते हैं ए और डी बराबर है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, यानी अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो पहला उनके सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर हम साइड को देखें, साइड के लिए हम अगर ए बी और डी ई को निकालें तो ए बी कितना है यहाँ पर 10 है और डी ई 5 है, और उसके रेशियो को देखें 10/5 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसी पैटर्न में अगर हम बी सी और ई एफ को ट्राई करें तो बी सी जरा देखिए ये 16 है और ई एफ कितना है 8 है, तो 16/5 ये भी कितना आ गया 2 आ गया। और बची जो साइड हमारी ए सी और डी एफ को भी देख लेते हैं तो ए सी यहाँ पर कितना है 12 है और डी एफ जो है 6 है, यानी 12/6 हमारा 2 आ गया। तो हम क्या देख सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पहला देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन, दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी। आते हैं कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए कितने प्रकार के क्राइटेरिया हैं, तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए 4 प्रकार के क्राइटेरिया हैं। पहला वाला जो है वो AAA क्राइटेरिया है, सेकंड वन इज SSS क्राइटेरिया, थर्ड वन इज SAS एंड फोर्थ वन इज RHS क्राइटेरिया। AAA क्राइटेरिया में तीनों एंगल्स ले लेते हैं, SSS में तीनों साइड्स लेते हैं और SAS में दो साइड्स और उसके बीच के एंगल को कंसीडर करते हैं। सेम इसी पैटर्न में RHS में राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज और करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को हम लोग चेक करते हैं। आपको एक बात और बता दें कि जो हमारा AA क्राइटेरिया है इसको हम लोग AA क्राइटेरिया भी कहते हैं, यानी अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हो गए तो बाकी बचा हुआ तीसरा एंगल भी जो है अपने करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाता है। तो आपको लिए आवश्यक नहीं है कि सिमिलरिटी के लिए आप दोनों एंगल यानी तीनों एंगल्स को दिखाएं, आप केवल दो एंगल को अगर आप बराबर दिखा देंगे तभी भी आपके दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम सभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो हमारा है AAA क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में अगर दो ट्रायंगल हैं और उनके सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। ABC का जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है, इसी प्रकार एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। यानी इस क्राइटेरिया के अनुसार क्या है कि इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF
हमारा एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर हुआ, एंगल बी एंगल ई के बराबर हुआ, एंगल सी अगर एंगल ई के बराबर हुआ, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ हो जाएंगे। और यहां पर जो क्राइटेरिया यूज होगा वो हमारा एएए क्राइटेरिया कहा जाएगा। यानी हम सिंपल वे में कह सकते हैं, यही हमारी थ्योरम 6.3 है, वो कह रही है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हम SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहला जो ट्रायंगल है वो ABC है, दूसरा DEF है। AB हमारा 10 है, ED 5 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 16 है और ये 8 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर AB और इसका रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, AB और DE का रेशियो 10 आ जाए, 0.5 यानी 2 आ गया। इसी पैटर्न में अगर हम BC और EF को निकालें तो BC 16 है और EF 8 है, तो ये भी हमारा 2 आ गया। और AC और DF को निकाला तो ये भी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। यानी हम देख रहे हैं कि ये साइड बटे ये साइड इक्वल्स टू ये साइड बटे ये साइड इक्वल्स टू ये साइड बटे ये साइड, यानी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो जो है यहाँ पर सेम है, और वो कितना है यहाँ पर, 2 है। तो हमने देखा, हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल्स, पहले वाले का नाम ABC है सिमिलर टू एंड ट्रायंगल, दूसरे वाले का नाम हमारा क्या है, जैसे ABC लिया तो थोड़ा सा ध्यान रखना हमें DEF ही लेना है, ट्रायंगल DEF। तो क्या मिल रहा है, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन FD। तो हम कह सकते हैं कौन से रूल से, बाय SSS रूल, यानी यहां पर जो रूल लगेगा उसे क्या कहा जाएगा, SSS रूल। और इस रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल जो होंगे यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हो जाएंगे। या सिंपल वे में कह सकते हैं थ्योरम 6.4 के अनुसार, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो उसके ऑल एंगल्स भी सिमिलर हो जाए, सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर कहलाएंगे। अब हम SSS रूल को देख लेते हैं। इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेते हैं। पहला वाला ट्रायंगल ABC है और दूसरा जो है वो ट्रायंगल हमारा EDF है। इसकी दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, यानी ये साइड, यानी इक्वल नहीं कह सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, ये बटे ये है, और जो हमारा उनके बीच का एंगल है वो इक्वल है। यानी अगर कोई दो ट्रायंगल हैं और उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल, इंक्लूडिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो हम SAS रूल से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित कर देंगे। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं, यानी BC और EF का रेशियो निकाले तो कितना आ गया, 2 आ गया, और AC और DF का रेशियो निकाले तो ये कितना आ गया, 12/6, ये भी 2 आ गया। और इसके साथ साथ हमारा एंगल C इक्वल्स टू किसके है, एंगल F के, यानी दोनों कितने हैं, ये 40 डिग्री। तो यानी दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच के इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय कौन सा रूल लग जाएगा, SAS रूल, SAS रूल या क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यानी इस रूल से हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और थ्योरम 6.5 हमारी क्या कहती है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब हम RHS रूल देखते हैं। इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है। यहां पर हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, दूसरा DEF है। इसकी दोनों एंगल तो राइट एंगल हो ही गए क्योंकि राइट एंगल हैं। इसका हाइपोटन्यूज भी देख लीजिए, ये दोनों भी बराबर, यानी इनका रेशियो भी बराबर जा रहा है, यानी 10/5 जा रहा है और साइड यानी 8/4 जा रहा है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड सीक्वेंस का ध्यान रखना है। अगर हमने ABC कहा है तो DEF ही लेंगे। एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल D के। ये राइट एंगल एक हमारा 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद साइड कौन कौन सी बच रही हैं, साइड बच रही हैं AB अपॉन हाइपोटन्यूज लीजिए, सॉरी हाइपोटन्यूज यानी BC अपॉन EF। ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 10/5 यानी ये आ रहा है 2।
और तीसरा क्या बच रहा है, साइड यानी ए बी अपॉन डी ई। ए बी अपॉन डी ई को चेक करिए, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 8/4 यानी 2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि राइट एंगल बराबर हैं और हाइपोटन्यूज का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग हाइपोटन्यूज का रेशियो और करेस्पॉन्डिंग एक जो साइड है दोनों में से उसका रेशियो इक्वल है, तो हम कहेंगे बाय आर एच एस रूल। यहां पर कौन सा रूल लगेगा, आर एच एस रूल लग जाएगा और इस रूल से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इफ द रेशियो ऑफ द हाइपोटन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हाइपोटन्यूज एंड वन साइड ऑफ एनदर राइट एंगल ट्रायंगल देन द टू एंगल्स देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टाइप से हम इस रूल को लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।